ये नजारा है महाकुंभ नगर स्थित मीडिया कैंप का। महाकुंभ के कवरेज के लिए करीब 200 से भी अधिक मीडिया संस्थानों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ डेरा डाले हुए हैं। किसी एक धार्मिक अवसर के कवरेज के लिए पहली बार पत्रकारिता के इतिहास में एक साथ इतने मीडिया प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं। सवाल उठता है, मीडिया के लिए महाकुंभ इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? पिछले 2-3 वर्षों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर से वेब का, इंटरनेट का जो विस्तार हुआ है, उसके कारण इस कुंभ की ख्याति, इस कुंभ की महत्ता, इस कुंभ के बारे में जानकारी विश्व स्तर पर गई है। क्योंकि मीडिया में, वहाँ के मीडिया में भी भारत के ऐसे कार्यक्रमों की मांग बढ़ी है। क्योंकि इसके पहले भी आप देखेंगे कि विदेशी चैनल्स में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल भर, 1.5 साल में आप देखेंगे कि संख्या बढ़ी है, तो यह भी एक बड़ा कारण है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय चैनलों और पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि महीनों पहले महाकुंभ नगर पहुंच गए थे। इनकी नजर में धार्मिक आस्था और नैसर्गिक शांति के प्रयास को अपने कैमरे के लेंसों से देखना कहीं और मुश्किल है। माई ऑब्जेक्टिव हियर इट्स टू डू अ जॉब। मैं यहाँ पानी की तस्वीरें आध्यात्मिक लोगों के साथ लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से पानी, लोग और अध्यात्म एक साथ मिलकर शांति का प्रतीक बनते हैं। Like a peace, like a confraternization. दूरदर्शन और आस्था जैसे राष्ट्रीय चैनलों ने भी काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। दूरदर्शन ने प्रमुख स्नानों को दिखाने की लाइव कवरेज व्यवस्था की, जबकि आस्था जैसे निजी धार्मिक चैनल पीछे नहीं थे। कुंभ से बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ किसी भी धर्म या अध्यात्म से जुड़े हुए संगठन या चैनल के लिए या किसी भी संस्था के लिए, दूसरा इससे बड़ा कोई आयोजन विश्व में नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए ये एक ऐसा अनोखा अवसर है जहाँ ये समान धर्म के रंगों से परिचित हो रहे हैं। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जहाँ एक ही जगह भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं से परिचित होना आसान है। यही कारण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे काफी प्रमुखता दी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि आईटी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।